तो इस पेंटिंग को दोस्तों मैंने एपेक्स कलर से बनाया था और दोस्तों ये फेड भी हो गया क्योंकि दोस्तों काफी पुराना है। दोस्तों हाय हेलो गुड मॉर्निंग, आपका स्वागत है फिर से मेरे इस नए व्लॉग पे। तो दोस्तों हम आए हैं एक स्कूल जहाँ पे हम लोगों का काम चल रहा है। कहने का मतलब आज ही हमने स्टार्ट किया है दोस्तों, आज संडे है फिर भी हम लोगों ने काम स्टार्ट कर दिया है। तो ये पीछे देख रहे हैं मेरा ही लिखा हुआ है, स्कूल का नाम है, लोगो है और यहाँ का पिन कोड वगैरह सारा कुछ है। और ये भी देखिए दोस्तों, यहाँ पर भी मैंने ही लिखा था और काफ़ी बड़ा मैंने इसे लिखा था, आप देख सकते हैं। और अंदर में दोस्तों हम लोग का वाइट वॉशिंग वाला काम चल रहा है और इसके बाहर में जो है जो भी दीवार है बस उसे कलर करना है, जो कि पिंक कलर का है वो आप देख रहे हैं। यहाँ के जो टीचर हैं उन लोगों ने बोला कि आपके अकाउंट में पैसा आए चाहे नहीं आए, अपना खुद का पैसा हम लोग दे देंगे। तो जाके दोस्तों हम लोगों ने काम करना स्टार्ट किया है, वरना हम लोग नहीं करते क्योंकि दोस्तों पहले का ही हम लोगों ने कितना सारा काम कर रखा है, अभी तक हम लोगों का पैसा नहीं आया है। तो फिलहाल जो भी है अंदर मैं आप लोग को दिखाता हूँ। तो ये देखिए दोस्तों यहाँ पे काम चल रहा है वाइट वॉशिंग का। तो अंदर अंदर में वाइट करना है दोस्तों और बाहर में पिंक। ब्रश दोस्तों अच्छे से साफ नहीं हुआ था इसलिए शायद वो ग्रीनिश टिंट दिख रहा होगा। और क्लासरूम कुछ ऐसा है, सारे डेस्क बेंच को हम लोगों ने ऐसा उठा दिया है और आप देख सकते हैं यहाँ पर झारखंड के मुख्यमंत्री का नाम लिखा हुआ है और झारखंड के राज्यपाल का नाम। इसमें दोस्तों अभी दो जो राज्यपाल हैं वो बढ़ गए हैं और उसमें से एक जो है हेमंत सोरेन जो 5वें नंबर पे है वो फिर से दोस्तों हमारे मुख्यमंत्री बने हैं, जो कि हेमंत सोरेन है। और दोस्तों यहाँ पर सिर्फ दो क्लासरूम को हमें पेंट करना है और एक ऑफिस, जो कि ये पीछे दिख रहा है ऑफिस रूम है दोस्तों। और क्या पता अंदर से कैसा है, बट हम लोगों ने नहीं देखा है, बस एक ही रूम का हम लोगों ने चाबी लिया है ताकि हम लोग आज स्टार्ट कर दें काम को। और उस साइड का दोस्तों मैं आपको दिखा देता हूं, जो कि काफ़ी पहले मैंने पेंटिंग भी बनाया है एक, मैं दिखा देता हूं आपको कि कोरोना काल से पहले का बनाया हुआ है। और यहां पे जो लिखा हुआ था दोस्तों वो काफ़ी शानदार लगता था जिस समय हम लोगों ने इसे लिखा था, नया था उस टाइम। बट पीछे वाला जो दोस्तों अभी भी अच्छा लग रहा है। और यहाँ पर भी देख सकते हैं आप पीछे लिखा हुआ है और यहाँ पर भी देखिए दोस्तों। और ये है पेंटिंग। तो इस पेंटिंग को दोस्तों मैंने एपेक्स कलर से बनाया था और दोस्तों ये फेड भी हो गया क्योंकि दोस्तों काफी पुराना है। तो स्कूल दोस्तों कुछ इस टाइप का ही है और हमें यहाँ पर काम करना है दो चार दिन, कहने का मतलब दो तीन दिन में हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। और दो ही लड़के दोस्तों मेरे साथ आए हैं काम के लिए और मैं फिलहाल अभी यहाँ से जाऊँगा, बट इन लोगों को लेने के लिए मैं फिर से आऊँगा। तो फिलहाल दोस्तों यही है स्कूल। अगर बाहर से हैं तो आप झारखंड का जो स्कूल है वो देहात में कैसा होता है वो आप देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों यहाँ से आप चलते हैं क्योंकि दोस्तों यहाँ पे रह के भी कोई फायदा नहीं है, लड़के ही बोल रहे हैं कि आप चले जाओ चले जाओ। तो यहाँ से हम चलते हैं। और दोस्तों स्कूल बाहर से कुछ ऐसा लगता है जिसका गेट इस टाइप का है, तो आप देख सकते हैं। और बाहर मैंने ये भी लिखा था, स्वागतम राजकीय कृत मध्य विद्यालय लोहेंगा। बांस को फाड़ करके बनाया हुआ ये गेट है दोस्तों। वैसे दोस्तों ये विद्या का मंदिर है तो यहाँ पर दोस्तों गेट तो अच्छा होना ही चाहिए था, बट क्या करें कुछ ऐसा ही चल रहा है दोस्तों। हमारे झारखंड के बहुत ज़्यादा स्कूल ऐसा ही चल रहा है। और दोस्तों ये जो स्कूल है वो मेन रोड के जस्ट किनारे ही है, फिर भी दोस्तों गेट वगैरह आप देख ही लिए होंगे। रोड किनारे वाले जो स्कूल होते हैं वो अच्छे होते हैं। तो यहाँ से कुछ दूर के अंदर पर्यटक स्थल बाघमुंडा है, जो कि काफ़ी शानदार वहाँ पिकनिक स्पॉट है। और आप देख सकते हैं यहाँ का जो मेन गेट यही है। फाइनली दोस्तों बहुत ज़्यादा हड़बड़ी में मैंने काम किया, कहने का मतलब जो आपने देखा थर्माकोल को मैंने कटिंग किया, फिर बनाया उसे कलर किया, उसके बाद दोस्तों फिर उसे लगाने भी गया, तो काफ़ी उधर टाइम बीत गया और मैं ब्लॉग भी नहीं कर पाया। हड़बड़ी था ना दोस्तों, इसीलिए पहले ही दोस्तों थर्माकोल का उन लोगों ने ऑर्डर दिया था बट मैं भूल गया था,
स्कूल से मैं लौटा, एक दो घंटे तक मुझे दोस्तों याद ही नहीं रहा। फिर बाद में अचानक याद आया कि हाँ आज वहाँ पे शादी है तो वहाँ पे देना है, तो मैंने एकदम हड़बड़ी में बनाया और जाके चिपका दिया और लड़के लोग को भी लाने गया था। इसलिए दोस्तों हड़बड़ी में मैं कोई चीज़ आपको ठीक से नहीं दिखा पाया। तो ऐसा मेरा आज का दिन जो है वो बीता। तो अब तो अंधेरा हो चुका है दोस्तों, वैसे अबरक जो है चेहरा पे पड़ा हुआ है इसलिए थोड़ा सा चमक रहा होगा। जो कल वाली अधूरी पेंटिंग है उसे ही कंटिन्यू करूंगा या तो फिर सतनाम जी का पेंटिंग मैं स्टार्ट कर दूंगा। वैसे प्लान में अभी थोड़ा चेंज है, अभी मुझे वहां पर शादी पर भी जाना है, तो देखते हैं क्या होता है। तो फाइनली दोस्तों हम हो चुके हैं तैयार। टी शर्ट तो दोस्तों वही मैंने पहन लिया है, बस ऊपर से मैंने जैकेट लगा लिया। पूरा अंधेरा हो चुका है और बाहर आप देख सकते हैं कैसा लग रहा है, तो वहाँ का चकाचौंध जो है वो थोड़ा अच्छा लगेगा। तो फाइनली दोस्तों मैं लौट चुका हूँ घर, और दोस्तों काफ़ी लेट भी हो गया मुझे वहाँ। और शादी में जाने के बाद दोस्तों काफ़ी सारे दोस्त भी मिल जाते हैं, तो फिर वहाँ पर काफ़ी बातचीत भी होती है और फिर मस्ती वगैरह बहुत कुछ, इसी वजह से दोस्तों वहाँ काफ़ी लेट हो गया। तो फिलहाल दोस्तों आज तो मैं कुछ करूँगा नहीं, वैसे भी 10:30 बज रहे हैं और मैं जो पेंटिंग बनाने वाला हूँ दोस्तों सतनाम जी का वो ये है दोस्तों, मैं बनाऊंगा और आप लोग को इसमें काफ़ी सारे कलर के बारे में मैं नॉलेज भी दूंगा जितना मुझे आता है दोस्तों। तो आपको लगातार वीडियो देखने को मिले, चाहे मैं आप लोग को पेंटिंग दिखाऊं या ना दिखाऊं, फिर भी दोस्तों वीडियो तो मैं अपलोड करूंगा ही करूंगा, जैसे मैं पहले किया करता था। पहले दोस्तों एक दिन भी मिस नहीं करता था, इसी तरह दोस्तों मैं आपको रेगुलर वीडियो अपलोड करूंगा। प्लीज़ दोस्तों आप लोग वीडियो को एक बार जरूर देखना। और दोस्तों रही पेंटिंग की बात, वो तो आप मुझसे सीख ही जाओगे, जितना भी मुझे पेंटिंग का नॉलेज है दोस्तों मैं आप लोग के साथ शेयर जरूर करूंगा, बस आपको वीडियो देखना है और लाइक करना है। थोड़ी सी परेशानी दोस्तों मेरी चल रही है, ये परेशानी दोस्तों ख़त्म होगी, उसके बाद दोस्तों मैं आप लोगों के लिए लगातार पेंटिंग की ही वीडियो अपलोड करूंगा रेगुलर। हर तरह से मैं आप लोगों को समझाने की कोशिश करूंगा। जितने भी मेरे भाई आप लोग मुझसे जुड़ रहे हो, वो पेंटिंग की वजह से अगर जुड़ रहे हो, तो आपको पेंटिंग 6 महीना 7 महीना होते होते आप लोग बहुत कुछ सीख जाओगे, जिसमें आपको देखने को मिलेगा ऑयल पेंटिंग, एनामेल ऑयल पेंटिंग, एक्रेलिक पेंटिंग, सॉफ्ट पेस्टल, पेंसिल स्केच, ये सारे दोस्तों आप लोग को मेरे चैनल पे देखने को मिलेगा। डेफिनेटली दोस्तों आप अगर मुझे फॉलो करोगे तो एक ना एक दिन दोस्तों आप मुझसे भी अच्छी पेंटिंग बना पाओगे। चलिए दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना। गाइज इस ब्लॉग को करता हूँ मैं यहीं पर एंड, कल फिर मिलूंगा आपसे एक नए ब्लॉग पे, तब तक के लिए